हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है ये डेजर्ट रोज़ प्लांट, एडीनियम प्लांट, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके सीड कलेक्ट किए थे, उस पर हमने एक वीडियो भी डाली थी, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीड हमारे पास रखे हुए थे और आज हम उन सीड को ग्रो करके नए नए प्लांट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये होते हैं एडीनियम के सीड्स, बिल्कुल जैसे चावल होता है जिसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल देखिए इस तरह के ये इसके सीड्स हैं एडीनियम प्लांट के। तो फ्रेंड्स, एक पॉट में मैंने बालू मिट्टी, कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट मिक्स करके ये पॉट तैयार करके रखा है, और एक पॉट में मैंने सिर्फ बालू मिट्टी और काउडंक मैन्यूर 80% और 20% के रेशो से बना के ये पॉट मैंने अपना तैयार किया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह ग्रो किया जा सकता है एडीनियम को सीड के ज़रिए। ये देखिए दोस्तों, फलियों के अंदर सीड रखे हुए होते हैं और उनके दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये रुआ, ये देखिए, और बीच में ये सीड रखा होता है। तो फ्रेंड्स, जब ये सीड पक जाते हैं तो खुद ब खुद इनका सीड पॉट खुल जाता है और ये रुआ इन सीड को उड़ाकर डेजर्ट में ले जाता है और ये प्लांट खुद ब खुद सहराओं में ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये इसका सीड पॉट रखा हुआ है और इसमें से मैंने सीड निकाले हैं, ये इसका रुआ है। तो फ्रेंड्स, इस पॉट में हमने ये देखिए कोकोपीट और बालू मिट्टी और लीफ कंपोस्ट का मिक्सचर है और मैंने इसमें ये सीड भी प्लेस कर दी है। ये देखिए, इसके ऊपर दोस्तों हम कोकोपीट से कवर कर देंगे और उसके बाद पानी का स्प्रे करके मैं इसको पौधों के बीच में रख दूंगी अपने इस पॉट को। आइए आपको मैं 30 दिन पहले का रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सीड हमने लगाए थे। और ये देखिए, एक नन्ना सा प्लांट, और दोस्तों ये इसकी बराबर में जो आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर देखिए अभी भी जैसे चावल का छिलका होता है, इस तरह का इसका कवर ऊपर की साइड पे नज़र आ रहा है और बाद में वहीं से लीफ बन जाएंगे। कुछ और प्लांट भी दोस्तों, ये देखिए, एक बड़े पॉट में, इसमें भी बालू मिट्टी और काउडंक मैन्योर का मिक्सचर है। तो आप ये देखिए, ये नन्ना सा पौधा, इसका तना देखिए अभी से कितना थिक बन चुका है। और एक ये, तो दोस्तों डेजर्ट रोज को लोग इंडियन चंपा भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास 5-6 प्लांट हैं ये जिन्होंने फ्लावरिंग की, और उसके बाद फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद उस पर सीड पॉट बनने लगा और तकरीबन 3 महीने में जाके वो सीड पक गए और वो खुद ब खुद फलियाँ जो थी उसकी खुल गई, सीड पॉट खुल गया और ये रुएँ जो थे ये सीड को उड़ा के ले जाने लगे। तो फिर हमने इन फलियों को सीड पॉट को प्लांट पर से उतार के और इस तरह से हमने इनको स्टोर कर लिया। दोस्तों, इस रुएँ के बीच में से ही मैंने ये सीड निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोकोपीट और बालू मिट्टी का मिक्सचर है जिसमें हमने सीड प्लेस कर दिए हैं और इसके ऊपर हम कोकोपीट से कवर कर देंगे। बस दोस्तों, हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि अपना इस पॉट के ऊपर जो ये कोकोपीट है, इसको हम नम रखें, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर हमारी मिट्टी ड्राई हो गई तो हो सकता है कि स्प्राउटिंग शुरू हो तो हमारा सीड जो है वो ड्राई होके मर जाए। तो हमें इस मिट्टी को
नम रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भी ना खड़ा रहे और ऐसा भी ना हो कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और आइए कुछ हम इसमें भी ग्रो करेंगे और देखेंगे कोकोपीट का रिज़ल्ट अच्छा है या बालू मिट्टी का रिज़ल्ट अच्छा है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको ये छोटे छोटे प्लांट दिखाए, जब सीड मेरे सीड पॉट में से निकल के इधर उधर उड़ने लगे थे तो मैंने मुख्तलिफ जगहों पे उन सीड्स को मिट्टी से कवर कर दिया था और दबा दिया था हल्की सी लेयर में। और उसके बाद दोस्तों जब मेरे इन बड़े गमलों में मैं पानी देती थी तो मिट्टी नम रहती थी। और ये देखिए ये मेरे पौधे खुद ब खुद ही ग्रो कर गए और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसी तरह से दोस्तों गार्डनिंग में वर्क चलता रहता है, जब ये बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी गिफ्ट कर सकते हैं और अपने गार्डन में भी बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों इसमें मिट्टी और गोबर खाद मिक्स है, 80% मिट्टी और 20% गोबर खाद, जिनको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके और दो दिन पहले से ही इस मिट्टी को गीला करके रखा है। नीचे की मिट्टी गीली है बिल्कुल और इसके ऊपर लेकिन मैं कोकोपीट से ही कवर करूँगी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको भी जो मीडिया इस पॉट में है ये मिट्टी, इसी मिट्टी को आप बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें कि बस ये सीड जो है उसमें छुप जाए। और ऊपर से रोज़ाना आप उसको हल्का सा पानी का स्प्रे करते रहिए। अगर आपने किसी बॉटल से या बड़े शावर से इसमें पानी दिया तो हो सकता है कि सीड अपनी जगह से इधर उधर हो जाए और आपको वो अच्छा रिज़ल्ट ना मिल सके। तो फ्रेंड्स आइए इसको भी हम कोकोपीट से कवर करते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत इजी ग्रो करते हैं ये प्लांट। अक्सर तो ये होता है जहाँ जहाँ उड़ के, जैसे डेजर्ट रोज़ का प्लांट जिन पॉट के साथ रखा हो इसके सीड उड़ना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ पॉट्स में जाकर ये खुद ब खुद ही गिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब प्लांट जो हैं वो ग्रो करने लगे। तो मुख्तलिफ गमलों में हमें मिल जाते हैं इसके प्लांट। दोस्तों मेरे ये बड़े वाले पॉट में भी देखिए, चलते फिरते बस मैंने इसमें ये सीड डाल दिए थे और जिस तरह दूसरे प्लांट को हम पानी देते हैं इसी तरह इस प्लांट को भी मैं अपने पानी देती थी। और देखिए मिट्टी नम होने से ये बीड जो हैं ये जर्मिनेट हुए और कितने प्यारे से ये प्लांट हमें मिल गए। बहुत जल्दी प्लांट बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है सीड ग्रो करना। बस हमें एक बात की केयर करना पड़ेगी कि हमारी ये मिट्टी नम ना होने पाए, इसीलिए मैं इसे दूसरे अपने प्लांट के साथ रखूंगी, कुछ साया भी मिले और कुछ मॉर्निंग की हल्की सी धूप भी इनको मिल जाए। स्मॉल गार्डन विद आरजे से अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।